डिलीवरी एक बार इस स्टॉक पर भी राय दीजिए मानस। डिलीवरी में भी आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती बनी हुई है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से अगर देखें तो लगातार तेजी बनी हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो कि ऊपरी लेवल्स पर यहाँ पर एंट्री लेकर कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो चुके हैं, फंस चुके हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर पिछले 6 महीने का ही अगर ट्रेंड देखें तो करीब करीब 37% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है डिलीवरी में। क्या करना चाहिए अब, ये जो तेजी आई है निकलने की राय देंगे इसमें से, कोई भी बाउंस मिलता है निकलने की राय देंगे, या फिर अब धीरे धीरे आप रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिलीवरी के स्टॉक में? रिकवरी अभी और देखने को मिल सकती है क्योंकि नॉन स्टॉप गिरावट देखने को मिली थी 700 रुपए से, लेकिन अब स्टॉक ने कहीं ना कहीं 300 रुपए के आसपास बेस बनाया है, कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप टायर बॉटम का, तो रिवर्सल के साइन क्लियरली दिख रहे हैं। 20 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिकवरी बढ़ेगी यहाँ पर, शायद हमें 400 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो एक पोजिशनल ट्रेड करंट लेवल्स पे भी लिया जा सकता है, 334 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है 380, और उसके बाद शायद 400 रुपए तक के भाव आपको डिलीवरी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय डिलीवरी में आपको दे दी गई है। अभी रिकवरी होना शुरू हुई है और पिछले 1 महीने से हम स्टॉक में रिकवरी देख भी रहे थे, तो अभी और रिकवर होगा ये स्टॉक और बीच बीच में आप इसमें रिव्यू भी लेते रहिए। मानस, इसके अलावा और कौन कौन से मिड कैप स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि आपकी नज़र आपके रडार पर आ रहे इस समय? जी, तो देखिए, मैंने टाटा पावर की पहले बात की क्योंकि टाटा पावर में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेस ऑलरेडी 200 रुपए 203 रुपए के आसपास स्टॉक ने बनाया है, 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक टाटा पावर में पहले खरीदारी करनी है, 204.90 कैश लेवल से ये वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और 216 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। एक बिकवाली का ट्रेड भी लेना चाहिए क्योंकि बैंकिंग में सबसे ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है, और पीएसयू बैंकिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स ने फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाया है चार्ट पे। तो कैनरा बैंक में बिकवाली करने की सलाह रहेगी, 390 रुपए 10 पैसे ये कैश लेवल्स हैं, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। नीचे की तरफ 200 डे मूविंग एवरेज आपके टारगेट होंगे जो कि 270 रुपए के आसपास है, तो कैनरा बैंक में बिकवाली करिए 270 रुपए के टारगेट के लिए।